गुड मॉर्निंग क्लास ट्वेल्थ, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री। क्लास ट्वेल्थ आपको इस सब टॉपिक पढ़ा दिया था मैंने। इफेक्ट्स ऑफ मीडियम क्या होते हैं सब मैंने आपको बता दिया था। चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, टुडे टॉपिक इज द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सिस्टम। क्या होते हैं इसमें, स्टेबिलिटी होती है ड्यू टू द लार्जेस्ट सर्फेस एरिया के कारण। इसमें कोलाइडल्स जो होते हैं थर्मोडाइनमिक अनस्टेबल होते हैं। तो इसके फॉलोइंग फैक्टर्स से चार्ज एंड कोलाइडल पार्टिकल्स, सॉल्वेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। चार्ज एंड कोलाइडेशन पार्टिकल्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है सिमिलर चार्ज प्रेजेंट होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स पर, रिपल्सन फोर्सेस एक्ट होते हैं किनके उनके बीच, और ये कॉन्सिक्यूटिवली क्या होते हैं पार्टिकल्स एग्रीगेट नहीं होते हैं, वीगर मॉलिक्यूल्स एंड कोलाइड होते हैं स्टेबलाइज के साथ। जब ये इलेक्ट्रोलाइट करते हैं, इसमें ऐड करते हैं कोलाइडल सोल्यूशन, तो कोलाइडल पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं अपोजिटली चार्ज आयंस के साथ, जो इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ, तो वो क्या हो जाते हैं न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ रिपल्सन फोर्सेस आफ्टर कोगुलेशन पार्टिकल्स गेट प्रेसिपिटेटेड, रिपल्सन फोर्सेस के कारण ये होता है। सोल्वेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होता है, इसमें फिली कोलाइडल्स जो होते हैं लेयर्स और डिस्पर्शन होते हैं मीडियम में, फॉर्म करते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स को, और देयर कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं नहीं क्लोज नहीं आते, एक दूसरे के पास नहीं आते। कोलाइडल जो गेन करती है स्टेबिलिटी गेन करती है, और यह क्या होती है, इफ डाइहाइड्रेटिंग एजेंट ऐड करोगे इसमें तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं लेयर उसके, डिसअपियर होते हैं आफ्टर सेपरेशन के बाद, कोगुलेशन को ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अकर होते हैं उसमें। कोगुलेशन क्या होता है, यह कोलाइडल सिस्टम होता है और कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें स्मॉल साइज में होते हैं, 1 से लेकर 200 नैनोमीटर तक होते हैं, एंड इसकी जो ड्यू टू किसके कारण होते हैं, प्रेजेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट होते हैं इसमें, और यह एक दूसरे के क्लोज नहीं आते कोलाइडल सिस्टम में, रिमेन स्टेबल ही रहते हैं। ये वेरी ही लिटल ग्रेविटेशन फोर्सेस होती है इनके बीच, और ये सेटल डाउन भी नहीं होते हैं। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन देम, यह क्या होता है एग्रीगेशन होता है कोलाइडल पार्टिकल्स, क्योंकि उसमें रिमूवल चार्ज जो प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं कोगुलेशन कहते हैं। इन अदर वर्ड में कह सकते हो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कोलाइडल इनटू सस्पेंशंस ऑफ नोन एज कोगुलेशंस। तो इसके थ्री डेफिनेशंस बनते हैं, द प्रोसेस बाई मीन्स विच कोलाइडल पार्टिकल्स आर पार्टिसिपेटेड इज नोन एज कोगुलेशन। मेथड क्या होते हैं कोगुलेशन के, फर्स्ट होता है बॉइलिंग। बॉइलिंग में इसमें जैसे कुछ सोल हो गए लाइक सोल सल्फर हो गया सिल्वर क्लोराइड एक्सेट्रा, ये सब कोगुलेट होती है कब, हीटिंग करने पर, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी कोलाइडल पार्टिकल्स की इंक्रीज होती है जब हीट करते हो पार्टिकल्स में। फिर रिपल्सन फोर्सेस होते हैं इनके बीच, ये रिजल्ट जो मिलते हैं एक दूसरे के क्लोज आते हैं, फॉर्मिंग करते हैं एग्रीगेट से। जब हीट करते हो तो क्या होते हैं बटर ऑयल्स जैसे हो गए आपके, वाटर सेपरेशन, ये सब इसके कोगुलेशन से। कूलिंग करने पर कोलाइडल्स क्या होते हैं स्पेशली इमोलजेंस जो होते हैं कोगुलेटेड हो जाते हैं एक्सेसिव कूलिंग पर, ज़्यादा कूलिंग करने पर। और वायलेट स्ट्राइविंग क्या होते हैं या वाइब्रेटिंग एक्शंस में क्या होते हैं, वायलेट स्ट्राइविंग या वाइब्रेटिंग एक्शंस, इसमें अल्ट्रासाउंड सम होते हैं कोलाइडल सिस्टम में जो कि क्या हो जाते हैं कोगुलेट हो जाते हैं, और बाई डायलिसिस करने पर रिपीटेड होने लगते हैं डायलिसिस में कोलाइडल सिस्टम, और रिमूव होते हैं इसमें ट्रेसेस इलेक्ट्रोलाइट्स जो कोलाइडल सेंसिल से होते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस में इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स में जो माइग्रेटेड होते हैं अपोजिटली चार्ज की ओर। म्यूचुअल कोगुलेशन में इसमें दो अपोजिटली चार्ज होते हैं कोलाइडल के बीच जो मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ, अपोजिट चार्ज जो होते हैं न्यूट्रलाइज होते हैं एक फिर एक दूसरे के साथ, एंड कोगुलेशन उसमें होता है। एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स जब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसमें मेथड कोगुलेशन का, इस पार्टिकल्स में डिस्पर्ट हो जाते हैं फेज ऑफ कोलाइडल कैरी इलेक्ट्रिक चार्जेस में। जब इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करते हो तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है कोलाइडल पार्टिकल्स में हो जाते हैं आयंस में, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं जो कि चार्ज अपोजिट होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स के लिए। एंड इसमें क्या होते हैं इफेक्टिव आयंस आप देख सकते हैं पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं दोनों होते हैं। तो ये आपका प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्टिव कोलाइड्स हो गए। तो इसमें कंपेयर करते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स के साथ लायोफिलिक कोलाइड्स का, लेस स्टेबल होते हैं। इसमें क्या होता है स्मॉल क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की जब इसमें ऐड कराते हो, तो इसके जो कोगुलेशंस होते हैं उनके बीच होते हैं ठीक। जब उसमें आप ऐड करते हो क्या ऐड करते हो कोलाइडल स्टेट जो होते हैं लायोफिलिक कोलाइड, तो कोगुलेशन होता है इसमें डिक्रीज होने लगता है ठीक। तो आपके हो गए
मैकेनिज्म प्रोटेक्शंस की क्या मैकेनिज्म होती हैं, जब इसमें लायोफिलिक कोलाइड्स को ऐड करते हो, किसमें लायोफिलिक कोलाइड्स में जिनके जो पार्टिकल्स होते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स के उसमें क्या होते हैं, क्योंकि हाई टेंडेंसी होती है तो सॉल्वेशन में, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं उनके पार्टिकल्स के अराउंड लायोफिलिक कोलाइड्स के। एंड प्रोटेक्टिव पावर यानी गोल्ड नंबर क्या होता है, कॉन्सेप्ट गोल्ड नंबर जो होता है गिवन होता है जी जिंगमोंडली ने दिया, इसका यूज करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटेक्टिव पावर के लिए लायोफिलिक कोलाइड्स के लिए गोल्ड का। ठीक, ये आपके कुछ टेबल्स हैं। एसोसिएटिव कोलाइड्स क्या होते हैं, इसमें डिजॉल्व होते हैं सम सब्सटेंस जो कि सॉल्वेंट होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एसोसिएट हो जाते हैं स्पॉन्टेनियस और ये फॉर्मिंग करते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल्स जो होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स को एग्रीगेट करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में जो टर्म होते हैं एसोसिएशन कोलाइड्स के। इसमें दो टर्म्स आते हैं कोलाइडल इलेक्ट्रोलाइट्स, एक आते हैं कोलाइडल नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें जो सम सब्सटेंस होते हैं बिहेव करते हैं लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स के, जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं जो वीगेन होते हैं बिहेव लाइक कोलाइड्स जैसे होते हैं, इंक्रीज करते हैं कंसंट्रेशन और इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन होते तो एग्रीगेट फॉर्म करते हैं एसोसिएशंस। ठीक, ये आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है इतना। वाशिंग एक्शन ऑफ सॉप में क्या होता है, सॉप में क्या होता है, फॉलोइंग टू प्रोसेस होती है इसमें इन्वॉल्व होती है एक्शंस की, एक होती है सोल्वलाइजेशन ऑयली पार्टिकल्स, एक होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ ऑयली पार्टिकल्स। ऑयली पार्टिकल्स इसमें जो लायोफिलिक नेचर्स होते हैं इसीलिए इसमें जब सॉफ सोल्यूबल होते हैं फोर्ड में तो डर्टी फैब्रिक्स के होते हैं ऑयली पार्टिकल्स, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं सेंट्रल में हाइड्रोफोलिक पार्ट्स के मेसल्स में हो जाते हैं। ठीक, इमल्सन्स में उसमें फिर इमल्सन्स होते हैं और जब ये फैब्रिक सोक्ड होते हैं इनके साथ वाटर के साथ तो इसमें अट्रैक्शंस होते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट्स में। इमल्सन्स क्या होते हैं, इमल्सन्स जो होते हैं कोलाइडल सिस्टम होता है जो कि बोथ में होता है डिस्पर्सन फेस और डिस्पर्सन मीडियम दोनों में लिक्विड फॉर्म में, बोथ लिक्विड्स जो होते हैं इसमें म्यूचुअली मिसिबल्स होते हैं ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, वन लिक्विड आर डिस्पर्ड इन अदर लिक्विड। कॉमनली इसमें होता है वन ऑफ लिक्विड्स इज वाटर एंड द अदर जो होते हैं ऑयली सब्सटेंस होते हैं इन सोलोबल में। ठीक, इमल्सन्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक ऑयल इन वाटर में होता है, यह जो इमल्सन्स होते हैं ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में लिक्विड फैट्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वाटर में, लिक्विड फैट्स जो होते हैं डिस्पर्स हो जाते हैं फेस में वाटर के डिस्पर्जन मीडियम में। ठीक, वाटर ऑयल्स जो होते हैं इसमें इमल्सन्स जो होते हैं ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होते हैं, इमल्सिफिकेशन क्या होते हैं फॉर्मेशन करते हैं इमल्सन्स का मिक्सिंग जब करते हैं म्यूचुअली इमिसिबल लिक्विड का नोन एज द इमल्सिफिकेशन। और कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या होते हैं आप सेल पढ़िए। ओके, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ है क्लास। थैंक यू।